नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर जौनपुर से है, जो नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के बदलापुर पड़ाव B2 मार्केट में एक दर्जन से अधिक की संख्या में पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े कटरे में घुसकर व्यापारियों पर हमला बोल दिया। दबंग बदमाशों ने हमले में दो व्यापारियों की हालत गंभीर कर दी है, जिन्हें आनंद फानल में जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज चल रहा है। बता दें कि बेखौफ दबंगों द्वारा नगर के बेहद व्यस्ततम क्षेत्र बदलापुर पड़ाव के V2 मार्केट में घुसकर व्यापारियों पर हमला कर प्रशासन को चुनौती दी। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि सभी बदमाशों के हाथ में लाठी डंडे लोहे की रॉड वो अपने साथ लेकर आए थे और सभी अपना मुंह कपड़े से बांधे हुए थे। मामला ये है कि मोहम्मद बिस्मिल्लाह हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के युवा इकाई के पदाधिकारी हैं और उनकी दुकान जो है बदलापुर पड़ाव के पास है। आज अभी मुझे लगभग एक घंटा पहले फ़ोन आया कि मोहम्मद दानिश का, जो कि वो भी हमारे पदाधिकारी हैं, कि उनकी दुकान में घुसकर 15-20 की संख्या में और मुंह ढके हुए कुछ लोग। अयोध्या कोतवाल मनोज शर्मा और स्वाट टीम प्रभारी अरशद खान को होली के पूर्व बड़ी सफलता मिली। शातिर जालसाज राजेश द्विवेदी पुत्र शिव प्रसाद द्विवेदी निवासी रामपुर थाना राम जन्मभूमि को रंगे हाथों दो अवैध पिस्टल, 32 बोर, 9 mm एक जिंदा कारतूस, 5 खोखा के साथ मौनी वांझा रेलवे ब्रिज के निकट से गिरफ्तार किया गया। अयोध्या कोतवाल मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अभियुक्त राजेश द्विवेदी के खिलाफ पहले से कई जालसाजी के मुकदमे दर्ज थे। मुखबिर की सूचना पर रंगे हाथों अवैध असलहा और कारतूस के साथ मौनी वांझा रेलवे ब्रिज निकट के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसको गिरफ्तार करने में अयोध्या कोतवाली प्रभारी मनोज शर्मा, स्वाट टीम प्रभारी अरशद खान, दरोगा स्वतंत्र मौर्य सहित अन्य कांस्टेबल का विशेष योगदान रहा। थाना प्रभारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा कायम कर जेल भेजा गया है। उत्तरी कमान अलंकरण समारोह 2 मार्च को मथुरा मिलिट्री स्टेशन से सैन्य सभागार में विस्तार के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान ने की। समारोह में कुल 66 पुरस्कार विजेताओं को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसमें 49 सेना पदक और सेना पदक, 1 युद्ध सेवा पदक, 4 सेना पदक विशिष्ट सेवा के लिए, 10 विशिष्ट सेवा पदक और 1 विशिष्ट सेवा पदक शामिल हुए। कुल 33 अधिकारियों, 3 जूनियर कमीशन अधिकारी और 29 अन्य रैंकों के उनकी वीरता और विशिष्ट समाज सम्मानित किया गया है, जहां पे राइफलमैन हुसैन खान की ओर से प्राप्त किया, जो कि एक सैन्य ऑपरेशन में घायल होने के बाद कोमा में है। खबर सोनभद्र से है, जो मुख्य आरक्षी देवेंद्र कुमार थाना बबनी पर नियुक्त है, जो कि 1 मार्च 2023 को समय लगभग 5 बजे सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मुख्य आरक्षी देवेंद्र कुमार अपनी ड्यूटी के प्रति संवेदनशील और समर्पित थे, जिनका असामयिक निधन सबके लिए आपूर्ति क्षत है। पुलिस बल द्वारा दिव्यांगत को आत्मा श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं इसके साथ ही शोक संपत्त परिवार को और धैर्य और शक्ति प्रदान करने की भी बात कही गई। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।